तूफान आया था ना, उससे ना पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा टूटे थे, मतलब बहुत ही तगड़ा तूफान आया था। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है ना हम अपने पापा जी के फोन से शूट कर रहे हैं ब्लॉग, क्योंकि मेरा फोन भी डाउन हुआ पड़ा है और हमारे गांव में ना 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। अभी पीछे तूफान आया था तो लाइट के ना सारे खंभे टूट गए, तो भाई कैमरा भी डाउन पड़ा है और मेरा फोन भी डाउन हो गया। तो मैं आज अपने पापा जी के फोन से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसलिए हम कहीं बाहर ब्लॉग शूट करने नहीं जा रहे हैं। तो आज हमने प्लान बनाया, हम अपने खेत पे ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं, मतलब अपने खेत पे घूमने जाएंगे, तो दिखाएंगे आपको, चलते हैं खेत पे। तो गाइस देखो गौरव आ चुका है, अभी हम जा रहे हैं खेत पे के लिए बस ऐसे ही घूमने। चल भाई गौरव बाइक चला, ले बैठ। किधर का चलेगा? इधर कर, चल इधर कर, चल। हाँ तो गाइस अभी चलते हैं खेत पे। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पे। ये हमारी ट्यूबवेल है और ये वाला भी हमारा खेत है, ये वाला भी हमारा खेत है। और इधर जहाँ तक ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे भाई देखो कितनी हरियाली है, कई सारे खेत हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी दिखाएंगे तुम्हें गाइज। मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब खेतों पर घूमने का ना अलग ही मज़ा, अलग ही रिस्पॉन्स है। ये देख लो कितने पेड़ हैं हमारे खेत पर ना, हमने बहुत सारे पेड़ लगवा रखे हैं पापा जी ने, बहुत ही मज़ा आ यार। शाम के टाइम घूमना तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है। देख रहे हो ऊपर, ये देखो कितने सारे पेड़ हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है भाई, अलग ही मज़ा। बिल्कुल यहाँ आके ना सुकून मिल जाता है शाम के टाइम है गौरव, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है यार खेत पे घूमने का ना, मतलब ताज़ी ताज़ी हवा मिले भाई। शाम के टाइम ना हम ज़्यादातर ना जब मूड ऑफ हो जाए ना तो आ जाना खेत पर घूमने के लिए। और यहाँ पर साइड में ना रोड है ऊपर, ये ऊँचा मतलब यहाँ बांध पड़ा हुआ है हमारे खेतों के बराबर में, क्योंकि जब गंगा बाढ़ आती है ना इधर से ना पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बांध जो लगा हुआ है ना जिसके ऊपर रोड है, तो यहीं पे आके ना सारा पानी रुक जाता है। तो भाई बहुत मज़ा आता है शाम को बंदे पे घूमने में, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। गाइज अभी आ चुके हैं हम अपने खेत के अंदर, एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको। गाइज ये देखिए, ये है ईक का पौधा, मतलब बहुत ही सारे पौधे हैं। ये देखिए चारों तरफ ये लाइन से दिख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन, ये सारे ईक के पौधे हैं। अभी मतलब बड़ी हुई नहीं है, अभी ऐसे कोई 10-15 दिन हुए हैं बुए हुए ईक को, तो अभी छोटे छोटे पौधे हैं ये ना, काफ़ी बड़े हो जाएंगे बहुत दिनों बाद, मतलब गन्ना बन जाएगा पूरा, फिर गन्ना जाएगा मील में, वहाँ से बनेगी शुगर मतलब चीनी। तो गाइज यही है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी कुछ भी नहीं है, हम दिखाएंगे आपको। गाइज कुछ दिनों बाद ना हमारी ईक बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, फिर हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब जैसे ईक बड़ी होएगी ना, मतलब जब गन्ने आ जाएंगे इसमें, तो फिर हम आपको दिखाएंगे एक ब्लॉग में और गन्ने बनने का सीन जैसे भी है। तो गाइज गन्ने खाने में ना बहुत मज़ा आता है, ताज़ी ताज़ी गन्ने खाने में भाई। जो शहरों में रहते हैं ना लोग, जो बाहर सिटी में रहते हैं, उन तक पहुंचने में ना गन्ना बहुत बेकार हो जाता है, मतलब काफ़ी कहीं भी टाइम पहुंचने, गन्ने का रस जो पीते हैं तो गन्ने ना बहुत पुराने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ताज़ी गन्ने खाने का अलग ही मज़ा है। देखिए गाइस चारों तरफ हमारी ईख है और ये गौरव घूम रहा है, क्या कर रहा है गौरव? थक गया हो, शाम का टाइम है, झूठ बोल रहा पता है ये, मतलब थक गया जो कह रहा है यार, सोच रहा हूँ ठंड में बैठने की। तो अभी हम बात करेंगे ट्यूबवेल पे बैठ के कुछ ऐसी खेत वेत के बारे में। तो हमने दिखाया गाइस आपको बस, आज पता है क्या हुआ था, मतलब सीन ये था, अभी 2 दिन पहले मैं तूफ़ान आया था ना, उससे ना पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा टूटे थे, मतलब बहुत ही तगड़ा तूफ़ान आया था। तो हमारे गाँव की जो लाइन है ना, जो मतलब लाइट की लाइन है, वो खंभे गिरे पड़े हैं सारे, मतलब कई जगह खंभे टूट गए, तो उस दिन से लाइट ही नहीं आई अभी तक। तो हमारे ना इन्वर्टर भी डाउन हो गया और मेरे कैमरे भी डाउन पड़े हैं और मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया। अभी मैं कुछ देर पहले पापा वाले फ़ोन से शूट कर रहा था, अभी पापा वाला फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, तो मैं अब कर रहा हूँ गौरव के फ़ोन से शूट। तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहे, वरना हम कहीं और जाने का प्लान था, अगर कैमरे चार्ज होते तो हम कहीं और जाते, लेकिन कोई नहीं, हम अपने खेत ही दिखाने आपको, हमें अच्छा लगा कि आज चलो अपने फील्ड का ही ब्लॉग ले लेते हैं। अभी बैठे हैं हम अपने ट्यूबवेल के ऊपर, क्योंकि मेरा तो घूमने का मन था। वैसे अब ना धूप भी हो गई है, मतलब पहले ना थोड़ी घटा थी, उससे ठंड हो रही थी। तो गौरव बैठा, बाइक पर भी दिखा रहा हूँ बैठा, देखो यूँ धूप निकल रही है वास्तव में यार, मतलब देखो इधर देखो बहुत तेज़ धूप निकल रही है अभी ना, पहले कुछ देर पहले ना मतलब घटा थी तो छाव सी थी। तो गाइज हमने आपको अभी अपने खेत दिखाई, हमारा खेत कैसा लगा चारों तरफ दिखा रहा हूँ मैं दोबारा, एक बार और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये चारों तरफ जितना भी वाइट वाइट दिख रहा सारा हमारा खेत है, सारी हमारी फील्ड है भाई साहब, इधर सब में मतलब सारे नहीं है भाई, इतने जबले ज़मींदार ना है हम, बहुत ऐसी है मतलब नॉर्मल ठीक ठाक है, फिर भी जैसा भी है
तो इसमें ईख की खेती हमने दिखाई। धूप है ना कुछ ज़्यादा तेज़ होगी ना, तो हमारा ना मन नहीं लग रहा यार यहाँ पे अब। मतलब पहले जैसी घटा थी ना, अगर ऐसे ही रहता तो हम रुकते, तो अब चल रहे हैं घर पे चल रहे हैं चले ना, क्योंकि ब्लॉग भी ठीक ठाक हो गया। क्योंकि भाई ब्लॉग का इतना खास रिस्पॉन्स नहीं है कि यार आपको कैसा लगे कि बोलो कि भाई क्या शूट करके डाल दिया, क्योंकि भाई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यही है, मैंने आपको बताया भी कुछ देर पहले, क्योंकि भाई कैमरे चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं है, लाइट नहीं आ रही, तो हम बाहर शूट करने नहीं जा रहे थे, इसलिए हम अपने खेत पर आ गए, कोई पता नहीं था क्योंकि क्या शूट करें। भाई अभी हम जा रहे हैं घर पे, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको। तो गौरव ने घुमा लिया बाइक, यहीं बैठूँ या ऊपर बैठूँ? यहीं बैठता हूँ, चल चढ़ा देगी। हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।